उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना के हालात सामान्य हुए तो प्रदेश के समय पर पंचायती राज चुनाव करवाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में गठबंधन सरकार 7 महीने से पूरी मजबूती के साथ चल रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि परोदा उपचुनाव बीजेपी और जजपा मिलकर लड़ेंगे। प्रदेश में पिछले 7 महीने से गठबंधन की सरकार मजबूती से चल रही है, इसी मजबूती से उपचुनाव लड़ा जाएगा और जीता भी जाएगा। जिस तरीके से मिलकर मजबूती के साथ 7 महीने में सरकार चलाई है, आगे भी इसी मजबूती के साथ इस गठबंधन को और ताकत देंगे और मिलकर ही बड़ौदा के उस गढ़ को जीतने का काम करेंगे। विपक्षी नेताओं, पूर्व सांसद अशोक तंवर और इनालो विधायक अभय सिंह चौटाला द्वारा कोरोना महामारी के समय में सरकार के कार्यों को लेकर उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि ये लोग मीडिया की सुर्खियों को बटोरने के लिए बेवजह ही बयानबाजी करते हैं। हरियाणा में दूसरे प्रदेशों से कहीं अच्छा कार्य कोरोना महामारी को रोकने के लिए किया गया है, इसी का परिणाम है कि हरियाणा में स्थिति दूसरे प्रदेशों के मुकाबले अच्छी है और यहां मृत्यु दर भी काफी कम है। तो एक चीज बोल सकता हूं, अगर हरियाणा प्रदेश को पूरे देश के अलग राज्यों से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री खुल के वर्क इन प्रोग्रेस की बात आई हो, कंस्ट्रक्शन साइट्स खुलने की बात आई हो, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फुटिंग पर अपने काम करने की बात आई हो, सबसे आगे हरियाणा प्रदेश रहा। मगर कई लोग हैं जब 3 महीने से आपने TV पर दिखाना छोड़ दिया तो सुर्खियों में रहने के लिए कहीं ना कहीं उनको 2-4 डायलॉग आ जाते हैं। PTI अध्यापकों को नौकरी से हटाए जाने और उनके प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के चलते PTI को रिलीव किया गया, कोर्ट ने चयन प्रक्रिया को गलत ठहराने और नौकरी से हटाने की बात कही है, इस पर अमल किया गया है। उन्होंने कहा कि नौकरी से हटाए गए PTI अध्यापक अगर भर्ती प्रक्रिया में धांधली लेकर बोर्ड और तत्कालीन सरकार के खिलाफ शिकायत देते हैं तो सरकार निष्पक्षता से जांच करेगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है। मैंने तो उनको गंभीरता से उनसे चर्चा भी करी और उनसे आग्रह भी किया, अगर आप मानते हो कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है और इसके अंदर आरोपी उस समय का बोर्ड और उस समय की सरकार थी तो आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई की अपील करें, FIR करवाएं, सरकार उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कराएगी, क्योंकि बड़े गंभीर शब्दों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट दी है कि इसमें फ्रॉडुलेंट प्रोसेस अपनाया गया। शब्द फ्रॉडुलेंट और सुप्रीम कोर्ट का कहना बहुत बड़े आरोप लगाता है और अगर कोई FIR दर्ज होती है तो जरूर उसको हम स्पेशली इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। गेहूं की खरीद के बाद भुगतान को लेकर पूछे गए सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की चुनिंदा मंडियों को लेकर 98% से ज्यादा किसानों को भुगतान किया जा चुका है। सतनाम सिंह, टोटल न्यूज, सिरसा।